अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल ब्राउन लाइट ट्रेवल्स डे टू। ओमान का हमारा ट्रिप आज आप देख सकते हैं, हम बोट पे बैठे हुए हैं क्योंकि हम जा रहे हैं बड़े एक्साइटिंग एक्सपीरियंस पे, स्नॉर्कलिंग एक्सपीरियंस। स्नॉर्कलिंग जो आप समंदर के ऊपर तैरते हैं, मछलियाँ नीचे देखते हैं, और यहाँ एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ नज़र आने वाली है, तो उसके लिए बड़े एक्साइटेड हैं। हमने पीछे सी पोर्ट पर गाड़ी पार्क की है, हमने ग्लोबल स्कूबा के साथ ही बुकिंग की, और अब हम इस शेड बोट पर जा रहे हैं। यह 40 मिनट की बोट राइड टू दमानिया आइलैंड, जो 9 आइलैंड्स हैं और बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ बहुत सारी सी लाइफ है और सिर्फ 40 मिनट से सी पोर्ट से, तो एक्सेस भी इजी है। और इस बोट में ऐसे सी सिकनेस वगैरह फील नहीं होती क्योंकि बोट इतनी हिल नहीं रही है। अब हम अपने पहले स्टॉप पे यहाँ पहुंच चुके हैं। पानी बहुत खूबसूरत लग रहा है, काफी शैलो है, मछलियां थोड़ी बहुत नजर आ रही हैं, तो आप लोगों को पानी के अंदर लेके चलते हैं। पानी में एंटर होते साथ ही हमें खूबसूरत ग्रीन सी टर्टल नजर आया है। यहाँ की सबसे खास बात है वो यहाँ आप काफी टर्टल्स देख सकते हैं क्योंकि इनका एक नेस्टिंग एरिया है। साथ ही साथ यहाँ हमें बहुत खूबसूरत खूबसूरत मछलियाँ भी नजर आ रही हैं क्योंकि ये, जैसे मैंने बताया, एक प्रिजर्व्ड नेचर रिजर्व है, यूनेस्को साइट है, तो इसमें काफी खूबसूरत कोरल्स हैं और कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो दुनिया में कहीं और आपको शायद ना नजर आए। अब मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देता चलता हूँ कि टर्टल्स के साथ कैसे स्विमिंग करनी होती है। टर्टल्स को बड़े आराम से आप जाएं उनके पास, उनको डराने की कोशिश ना करें, करीब पहुंचे तो इस तरह रुक जाएं, और फिर हो सकता है कि अगर आप लकी हो तो खुद आपकी तरफ भी आ जाएं, और इफ दे डू कम टू यू आप स्टे स्टिल, क्योंकि ये बड़े क्यूरियस जानवर होते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं आराम से बस उनके ऊपर होवर कर रहा था, और बड़ा सुकून से आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इनको प्लीज कभी भी टच ना करें, खुदा की कुदरत देखें, यहाँ इतनी अच्छी खूबसूरत मल्टी कलर्ड फिश नजर आ रही हैं। मैं ये टिप्स इसलिए देता चला क्योंकि ये जानवर के लिए एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट भी हो सकता है अगर वो ह्यूमन से थोड़ा थ्रेटनिंग फील करें तो, और वो फिर अपनी जगहों पे फीडिंग करने ना आए, तो इसको एथिकली इस तरह आप इसके आसपास स्विम कर सकते हैं। यहाँ ये भी एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था, जब आप जो स्कूल ऑफ फिश जो कहते हैं, जो एक साथ काफी मछलियां साथ तैर रही होती हैं, आप उसके बीच में से होते हुए जाएं, वो खुद ही डिस्पर्स हो जाती हैं, बहुत खूबसूरत। अब हम एक नियर बाय आइलैंड पे लेके जा रहे हैं, एक तरह से बीच भी है। यूजली जुलाई टू अक्टूबर ये टर्टल नेस्टिंग ग्राउंड होता है, तो ये एक्सेस अवेलेबल नहीं होता आपको क्योंकि वो प्रिजर्वेशन के उससे। और मई टू अक्टूबर आपको यहाँ व्हेल शार्क भी नजर आ सकती हैं, लेकिन क्योंकि हमने जनवरी में विजिट किया तो अनफॉर्चुनेटली हमारा वो टूर का पार्ट नहीं हुआ, इसलिए हम बीच पे जा रहे हैं। यार ये बहुत ही आला एक्सपीरियंस था, बेस्ट नॉर्थन एक्सपीरियंस। अब हम उस बीच वाले आइलैंड पे आ गए हैं जो टर्टल नेस्टिंग ग्राउंड होता है यूजली, और यहाँ से भी आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं। यहाँ भी आप कॉरल्स देख सकते हैं जो काफी इंटैक्ट हैं। कॉरल्स जो ये आप पौधे पानी के अंदर देख रहे हैं, ये मछलियों की इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप स्नॉर्कलिंग कर रहे हो तो इन कॉरल्स का खास ख्याल रखा करें, कोशिश करें कि इन पे खड़े ना हो, बल्कि कोशिश कि आप बिल्कुल भी खड़े ना हो क्योंकि वो मछलियों का घर है और आप उसको तबाह नहीं कर सकते।
जैसे कि मैंने बताया हमने ग्लोबल स्कूबा के थ्रू किया 25 ओमानी रियाल पर पर्सन। तो पहले हमें वो टर्टल्स वाली जगह पे लेके गए जो आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया, काफ़ी टर्टल्स नज़र आए, फिशेज नज़र आई। आई थिंक ये मेरा बेस्ट स्नॉर्कलिंग एक्सपीरियंस था। मैंने एडलेड में किया, ऑस्ट्रेलिया में, फिलीपींस में किया, सीबू में, तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। और अभी जो दूसरी जगह हम आए हुए, एक तरह से एक आइलैंड, एक बीच है, यहाँ का पानी बड़ा खूबसूरत है और यहाँ भी आपने डिफरेंट किस्म की फिशेज़ देखी, यहाँ भी टर्टल्स नज़र आ सकते हैं। हम ज़्यादा डीप नहीं गए क्योंकि पास में थोड़ा इशू हो रहा था, पानी अंदर भर रहा था, काफ़ी टाइट हो रहा था, लेकिन एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त रहा है। होपफुली आपने भी इंजॉय किया, जिस तरह की व्यूज थे, चीज़ें थे। अभी हम इस पहाड़ की तरफ जा रहे हैं बीच पे, यहाँ से अगर आपको मैं पानी दिखाऊंगा ना तो जो कलर आ रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही आला है। यहाँ भी एक पीछे की तरफ भी एक बीच है, ये पानी का आप कलर देख सकते हैं, क्रिस्टल क्लियर पानी है। इस तरफ काफी टूरिज्म की उससे भी काफी एफर्ट की जा रही है यहाँ, कर सकते हैं यहाँ मस्कत में जो वाटर से रिलेटेड है वो है डॉल्फिन साइटिंग। तो वो भी एक शिप जाती है, बोट्स, इसी तरह की बोट्स जाती हैं जिसमें आप डॉल्फिन साइटिंग भी करने जा सकते हैं। तो उसकी भी डिफरेंट रेट्स डिफरेंट होते हैं। सनसेट टूर्स भी आप कर सकते हैं, तो काफ़ी ऑप्शन हैं यहाँ वाटर एक्टिविटीज़ के। और मेरे ख्याल में काफ़ी अंडररेटेड डेस्टिनेशन है, क्योंकि जितना ये खूबसूरत ये जगह है और जितना हम इंजॉय किया और जितना साफ़ सुथरा है, शायद हाँ ये भी एक तरह से है कि ओवर टूरिज़म नहीं है, उससे शायद इतना ख़राब नहीं हुआ है। जैसे फिलीपींस में बहुत रश था, बहुत लोग थे, वहाँ टाइफून भी आया हुआ था, तो शायद उससे और थोड़ा ज़्यादा इतना मज़ा नहीं आया था स्नॉर्कलिंग में, क्योंकि इतनी मछलियाँ देखने को नहीं मिल रही थी, कोरल्स सारे डैमेज हो गए थे, क्योंकि कोरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मछलियों के लिए। तो उस लिहाज से शायद एक तरह से अच्छा भी है कि यहाँ इतनी ओवर टूरिज़म नहीं हो रही, लेकिन एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आप मस्कत ओमान में आपका थोड़ा सा ले ओवर हो, मैं तो ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि आप 2 से 3 दिन यहाँ ज़रूर गुजारें। बोट में अब हम सब वापस बैठ चुके हैं, क्योंकि अब हमारा अनफॉर्चुनेटली वापसी का टाइम शुरू हो गया है। तो अब हम वापस सी पोर्ट चलते हैं, फिर वहाँ से आपको आगे एक और जगह लेके चलते हैं। अब हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं हिस्टोरिक टाउन ओमान के निजवा, जो पहाड़ों के बीच में नेस्टल हुआ हुआ है। सीधा सीधा हाईवे है, 120 की स्पीड लिमिट है, तो हम आराम से 1.5 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। और रास्ता बड़ा ही खूबसूरत है। निजवा के आसपास कहते हैं कि काफ़ी खूबसूरत डेट्स की प्लांटेशंस भी हैं, छोटे छोटे और भी डिफरेंट शहर आ रहे हैं। और हमारा बस 1 घंटे का रास्ता रह गया है, तो अब आप लोगों को आगे निजवा लेके चलते हैं और थोड़ा रास्ता दिखा। हम निजवा के आउटर स्कर्ट्स में एंटर हो चुके हैं, और यहीं से आप वो डेट पाम ट्रीज, जिसकी मैं पीछे तारीफ कर रहा था कि यहाँ बड़ा खूबसूरत है नज़ारा, तो वो नज़र आ रहा है। मौसम भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, अब बड़ा एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि हम पहले जा रहे हैं निजवा फोर्ट, जो यहाँ की एक बहुत मशहूर जगह है। निजवा अब हम पहुँच चुके हैं, पहले मस्जिद पे एक स्टॉप लेंगे, लेकिन उन्होंने ये पूरा एक एरिया बनाया हुआ है, शायद फोर्ट और सूख मस्जिद सब कंबाइन करके एक ही तरह का जो स्ट्रक्चर है वो बनाया हुआ है। ये अभी हम खाने पे जा रहे हैं,
फिफ्थ हिजरी की मस्जिद है इधर पीछे, और अगर चलते ना तो काफ़ी हिस्टोरिक टाउन लग रहा है। पूरा बंदर अंदर की गलियाँ देखना, और जो मुझे निजवा के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। निजवा जो था वो बेस्ट डेस्टिनेशन अरब वर्ल्ड इन 2022 वोट हुआ था, और ये ओमान का पुराना कैपिटल होता था 6th and 7th century में, और ये सेकंड मोस्ट विजिटेड प्लेस है ओमान में। हम निजवा फोर्ट में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ का टिकट तकरीबन 5 ओमानी रियाल का है, तकरीबन आपके हो गए $20 या $15। और लोकल ओमानी अगर आप हों तो आपका 2 ओमानी रियाल का टिकट है, तो $8 का बनता है। निजवा फोर्ट के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ, ये यहाँ का सबसे फेमस फोर्ट है। ये कहते हैं कि सुल्तान बिन सैफ बिन मलिक अल यारूबी ने अपने रेन में 1649 to 1679 जब उसने काम किया था, तो उस वक्त ये बनाया गया था। फोर्ट की जो दीवारें वो तकरीबन कहते हैं 1200 साल पुरानी हैं, जो बाहर की आउटर वॉल्स हैं। ये काफ़ी एक तरह से आप कह सकते हैं फोटोग्राफ लोकेशन की है ओमान में। ये आप फोर्ट से पूरा शहर देख सकते हैं, पूरा तो नहीं मतलब काफ़ी हद तक आप शहर को देख सकते हैं। काफ़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन है, यहाँ काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है, और इसको ना ऐसे लग रहा है जैसे एक टूरिस्टी टाउन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको रिकन्स्ट्रक्ट भी किया जा रहा है, साथ साथ नई चीज़ें भी बनाई जा रही हैं, खाने पीने की काफ़ी ट्रेंडी जगहें बनाई जा रही हैं। और ये अभी हम छत पे आ गए हैं फोर्ट के, यहाँ से आप ये व्यूज़ देख सकते हैं। इधर आप पीछे मस्जिद भी देख सकते हैं जामे नमाज के। छोटे छोटे कमरे भी दिए हुए, उन कमरों के नाम दिए हुए, जैसे ये जो है ये अभी किचन है, तो किचन के बारे में थोड़ी सी अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे यहाँ की किचन की कौन से यूटेंसिल्स वगैरह हैं, और ये कैसे इमाम की रेजिडेंस में था। ये आप देख सकते हैं और छोटे छोटे कमरे दिए हुए, ताकि वो पुराने जो लुक एंड फील है उसको उस तरह दिखाया जाए। अब अगर मैं इस तरह से चलता जाऊँ तो आप यहाँ ये देख सकते हैं और कमरे दिए हुए हैं, जहाँ आई थिंक ये भी किचन का ही हिस्सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ फायर पिट और इस तरह का करके नीचे आग लगाने का और उससे दिया हुआ है। यहाँ उसका भी रूम दिया हुआ है कॉफ़ी बनाने का, तो कॉफ़ी कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे ख्याल में शायद सारी गल्फ कंट्रीज हैं, तो एक डेडिकेटेड रूम है सिर्फ कॉफ़ी के लिए। इस तरफ मैं ले जाऊँ तो यहाँ पब्लिक मीटिंग रूम है, वैसे बैठक जिसको हम लोग भी हमारे कल्चर में भी कुछ जगहों पे स्पेशली होता है, तो इस तरह बैठक है। यहाँ शेख गवर्नर जजेस वगैरह जो उस वक्त के रूलिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट लोग थे, साथ साथ इमाम का भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट था यहाँ। तो अगर मैं आपको इस तरफ लेके चलूँ तो ये फिर यहाँ लिखा है प्राइवेट डिस्कशन रूम, तो उसी तरह की वही बैठक की तरह का ही उसको भी दिया हुआ है। साथ साथ अब यहाँ से टावर आ जाता है जो वॉच टावर है, और यहाँ वो मस्जिद। अच्छा, टावर का रास्ता नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये आप देख सकते हैं अंदर से। ये जो है ये एग्जिबिट रूम है, तो यहाँ इन्होंने जो सुल्तनत थी उस वक्त की, या जो इन्हें वैसे रिमेनिंग चीज़ें मिली थी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। यहाँ थोड़ी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो पता चला है कि ये काफ़ी हद तक रिस्टोर किया गया है। रेस्टोरेशन से पहले ये ऐसा था, बिल्कुल वैसे लग रहा है जैसे करक कैसल हमने देखा था जॉर्डन में। तो अब इसको रिस्टोर करके काफ़ी, जैसे मैंने कहा कि तस्वीरों के उससे एस्थेटिक उससे बड़ा खूबसूरत बना दिया एक तरह से, लेकिन आई थिंक खूबसूरती उसमें ज़्यादा होती है जब वो पुराने तरीके से बिफोर रेस्टोरेशन आप देख सकते हैं, तो उसमें एक नेचुरल सी लुक आती है, क्योंकि आफ्टर रेस्टोरेशन वैसे हो जाता है। ये यहाँ का सूक है जो मार्केट जो आपने और भी जगहों पर देखी थी, ये इसको ईस्ट सूक का नाम दिया हुआ है। दूसरी तरफ वेस्ट सूक भी है, यहाँ भी जैसे वो कल मतलब सूक देखा था उसी तरह की मार्केट है। इस तरफ जहाँ से लोग जा रहे हैं इसको वेस्ट सूक कहते हैं, तो इसमें भी उसी तरह की दुकानें हैं दूसरी तरफ,
दूसरी तरफ से उसकी एक और एंट्रेंस है, बड़ा खूबसूरत सनसेट होने वाला है। ये अब आप सूख की एंट्रेंस देख सकते हैं, जो मेन सूख की एंट्रेंस। इस मेन सूख तो सारा ही एक ही किस्म का है, लेकिन दुकानें सारी इसी तरह की हैं, लोकल हैंडीक्राफ्ट चीज़ें, कैफेज। तो बड़ा खूबसूरत शहर है और इसको काफ़ी हद तक रिस्टोर कर रहे हैं। यहाँ से अगर हम अंदर चले तो दुकानें और नज़र आएंगी। सब यहाँ जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल सूख है, उस तरफ हम चले जाएंगे मीट सूख है। तो उन्होंने डिफरेंट टाइप के सूख बनाए, एक तरह से शहर के अंदर शहर बनाया हुआ है छोटा सा टूरिस्ट की सब खाने को। एंट्रेंस जैसे ये कासल्स की एंट्रेंस होती है, तो उस तरह यहाँ ये भी बनाया हुआ है। काफ़ी अच्छी नाइस सी जगह है। नेज़वा सूक जो है वो ओमान का ओल्डेस्ट है, और ये मैंने आपको कुछ सेक्शंस दिखाए थे, लेकिन ये 120 सेक्शंस में डिवाइडेड है। और नेज़वा का सिल्वर बहुत मशहूर है, तो अगर आपके पास मौका हो तो ज़रूर सिल्वर कोई सोवेनियर ज़रूर ख़रीदें। और यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग मार्केट लगती है जुम्मे की सुबह, जो है गोट मार्केट। तो यहाँ आप तुम्बे, बकरे और कैमल लोकल्स जो हैं वो यहाँ आके ख़रीदो फरोख करते हैं। अब हमारा ट्रिप ख़त्म होता है, मस्कत का, ओमान का ट्रिप, जो आज आपने देखा होगा। नेज़वा गए, दमानियात आइलैंड्स गए, बड़ा ज़बरदस्त ट्रिप रहा, बड़ा इंटेंस 2 हफ्ता था ये पिछला, जो 3 मुल्क देखे, इजिप्ट, जॉर्डन, ओमान एंजॉय किया। अभी आखिर में हम लुलू हाइपरमार्केट गए, जो सबसे बड़ी सुपरमार्केट है GCC कंट्रीज़ में, फार ईस्ट एशिया में भी है। तो वहाँ से काफ़ी हलाल स्नैक्स, चीज़ें इस तरह की ली, और क्या ज़बरदस्त मार्केट है वैसे यहाँ की। क्योंकि यहाँ खाना भी था, जूसेस थे, साथ साथ बेकरी का आइटम थे फ्रेश, तो बड़ा इन्जॉय किया और ट्रिप बड़ा अच्छा रहा, शुक्र है। और ओमान में एंड किया, तो वो बड़ा एक तरह से थोड़ा रिलैक्सिंग भी रहा, एक तरह से काफ़ी कम स्ट्रेसफुल था, क्योंकि काफ़ी चीज़ें थी यहाँ करने को, डिफरेंट चीज़ें थी और काफ़ी एक्टिविटीज़ की जो सब करना चाहते थे, वो पूरे ट्रिप में किया। होपफुली आपने भी आज का दिन इन्जॉय किया हो, क्योंकि जगह बड़ी प्यारी है। एंड मैं हमेशा रेकमेंड करूँगा कि ओमान अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर ट्रैवल करें, और यहाँ आप शायद 5 से 6 दिन गुजार सकते हैं आराम से, क्योंकि हमने वादी नहीं देखी। अब इंशाल्लाह फिर कभी तो वादी शब और डिफरेंट और भी 1-2 वादीज़ हैं, कैन्योनियरिंग भी कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। तो होपफुली आपने भी ये ट्रिप इंजॉय किया हो मेरे साथ, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर प्लीज़। थैंक यू आपके सपोर्ट का मेरी तरफ से। अब अल्लाह हाफिज़।